माकपा राज्य कमेटी की 2 दिवसीय बैठक बुधवार को संपन्न हुई। बैठक में पार्टी की पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात शामिल रहीं। बैठक के मुद्दों को साझा करते हुए करात ने कहा कि पिछले कुछ समय में केंद्र सरकार की छवि धूमिल हुई है। एक ओर जहां केंद्र सरकार गैर भाजपा शासित प्रदेशों में जबरन अपने नियम लागू कर रही है, जहां गैर भाजपा शासित प्रदेशों की फंडिंग रोकने जैसे मामले सामने आ रहे हैं, वहीं इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के दौरान के भी सरकार का दोहरा चेहरा सामने आया, जहां भारत ने यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में वोट नहीं किया, जबकि अलग अलग पटलों पर समय समय पर भारत की ओर से बयान जारी किया गया। भारत की ओर से बयान जारी किया गया कि भारत आतंक विरोधी है, फिर जनरल असेंबली में वोट नहीं करना उचित नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि कई राज्यों में केंद्र सरकार की ओर से दबाव बनाने और फंडिंग रोकने की बात सामने आ रही है। वहीं आगामी चुनाव की जानकारी देते हुए बृंदा करात ने कहा कि आने वाले समय में 5 प्रदेशों में चुनाव होने हैं। इनमें से राजस्थान में अन्य वाम घटकों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी है। हाल में हमारी पार्टी की सेंट्रल कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कुछ अहम फैसले और कुछ अहम मुद्दे पर बहस हुई। पहली बात ये है कि हमारे देश के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जो एक रेजोल्यूशन पेश किया गया था इसराइल और पैलेस्टीन के संबंध में, जिसका मुख्य मुद्दा था युद्ध का विराम, सीज फायर हो, ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर हो, और उस प्रस्ताव में ये भी था कि एक मदद सहायता सिविलियंस को दिया जाए। लेकिन इतनी शॉकिंग और हम तो कहेंगे निंदनीय, गवर्नमेंट ने इसकी फाइनेंसिंग की शुरुआत की, सेंट्रल गवर्नमेंट का हर स्टेट गवर्नमेंट पर इसका दबाव है, अगर नहीं लगाओगे तो बिजली का जो भी रिफॉर्म नहीं करोगे तो जो भी हमारे मदद है वो हम समाप्त करेंगे, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मोदी सरकार का है। तो हम ये तो हेमंत सोरेन सरकार को कहेंगे कि कम से कम जो ग्राहक है, जो साधारण ग्राहक है, उनके घरों पे कतई नहीं लगना चाहिए। जो बड़े बड़े कंपनी है, जो बहुत सारे मीटर, और झारखंड में इसका एक और असर पड़ेगा। 100 यूनिट हेमंत सोरेन सरकार ने ऐलान किया फ्री देंगे, तो अगर ये मीटर लगेगा तो वो 100 यूनिट फ्री कैसे मिलेगा? तो ये तो उल्टी है। तो इसलिए ये बिल्कुल गलत एक स्कीम है। इतना दबाव है तो बड़े लोगों का लगाओ, जो आम ग्राहक है उसके घर पर कतई नहीं लगना चाहिए, ये तो हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं। न्यूज विंग के लिए रांची से रफीशा मेकी की रिपोर्ट।